ने बकरीद के मौके पर कोरोना नियमों में छूट दी। बकरीद के लिए केरल सरकार के कोरोना नियमों में 20 जुलाई तक छूट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांग लिया है। कोर्ट ने आज दिन खत्म होने से पहले जवाब देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कावड़ यात्रा पर सुनवाई के दौरान केरल सरकार से जवाब पूछा कि बकरीद पर 3 दिन पर छूट क्यों दी गई है। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की खबर है कि कोर्ट ने यह निर्देश दिया है कि इस मामले की सुनवाई कल सुबह लिस्ट में पहले नंबर पर लगाई जाए। वही बीएचपी के मुताबिक जब कोरोना की वजह से कावड़ पर रोक लगाई जा सकती है तो केरल सरकार को भी ऐसी इजाजत नहीं देनी चाहिए। उत्तराखंड की सरकार ने कावड़ यात्रा को स्थगित कर दिया। उत्तर प्रदेश ने कहा कि हम मर्यादित संख्या में कावड़ निकालेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसका स्वतः संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट की बात को समझते हुए उत्तर प्रदेश ने कहा कि हाँ, हम मानते हैं कि जीवन का अधिकार बड़ा होता है और कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया। हमको आश्चर्य हुआ कि इन सब बातों के पब्लिक डोमेन में होते हुए भी केरल के मुख्यमंत्री ने कहा कि ईद के तीनों दिन कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। इस मुद्दे पर यूपी के मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार शलभमणि त्रिपाठी ने एक ट्वीट किया और लिखा कि कुंभ से कोविड फैलता है, कावड़ यात्रा से भी कोविड फैलता है, पर पहले से ही तबाही के मुहाने पर बैठे केरल की ईद से कोविड कतई नहीं फैलेगा। तथाकथित प्रबुद्ध खामोश है। बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी ने भी कोरोना नियम सभी के लिए समान होने की मांग की। सर, ये बताएं कि कहा यह जा रहा है कि कावड़ यात्रा पर तमाम तरह की बंदिशें हैं, तमाम तरह के रिस्ट्रिक्शंस हैं, जबकि बकरीद को लेकर ऐसा कम किया जा रहा है या ना के बराबर? देखिए, एक तो कावड़ यात्रा हो, प्रतीकात्मक हो, अब न्यायालय ने बिल्कुल मना कर दिया है तो न्यायालय सर्वोच्च है, हम उसके निर्देशों का, आदेशों का और निर्णय का पालन करते हैं, इसलिए सरकार ने किया है। अब बकरीद पे निर्णय करना न्यायालय का काम। आपका क्या मत है, बकरीद को लेकर किस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए? बकरीद को लेकर जैसे पहले ईद वगैरह की नमाजें हुई हैं, घर ही में हुई हैं, उसी प्रकार बकरीद की नमाज भी घर ही में होनी चाहिए, मस्जिदों में या खुले में नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब आप रिस्ट्रिक्शंस की वकालत करते हैं, आप उसके पक्षधर हैं? निश्चित रूप से नियम सबके लिए होते हैं। जब आप कावड़ यात्रा रोक रहे हैं, मंदिरों में पूजा रोक रहे हैं कोरोना के कारण, इसीलिए कोरोना के कारण जो प्रतिबंध आवश्यक है सभी पे लगने चाहिए। केरल सरकार के इस फैसले पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी एतराज जताया। उनकी तरफ से कहा गया कि फैसला फौरन वापस होना चाहिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बकायदा केरला गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा है कि जो ईद के कनेक्शन में कुछ रिलैक्सेशन दिए गए थे वो ना दिए जाएं ताकि लोग जबरदस्ती इकट्ठे ना हो। इससे पहले बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने भी यूपी गवर्नमेंट को मना किया, उससे पहले उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी रिलीजियस गैदरिंग बंद कर दी हैं। तो हमारी सब लोगों से आग्रह है ना केवल रिलीजियस गैदरिंग्स ना हों, जो मंडियां हैं जहां थोक की खरीदारी होती है किसी भी चीज़ की, वहां गैदरिंग्स को कम किया जाए।